हेलो मॉमीज, वेलकम टू ग्रो विद किड्स। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं ये जो मिट्टी के कुल्हड़ होते हैं इन पे कलर। तो ये सबसे पहले बच्चों से शुरुआत करते हैं। तो ये मेरा जो 5 ईयर ओल्ड बेटा है उसको मैंने सबसे पहले दे दिया करने के लिए कलर मटके पे, ताकि फिर मैं ये वीडियो शांति से बना पाऊँ। एक्चुअली होता यही है, कुछ भी नया काम आप करिए, कुछ भी डिफरेंट करिए, बच्चों को सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है। तो वो चाहती है सबसे पहले ट्राई करना। तो ये देखिए, ये पेंट करके रेडी हो गया है। आप भी कुछ भी, ये जो एक्टिविटी है ये बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कलरिंग करना, पेंट करना, कूलर भी, जिसपे इनका एक ये मोटर स्किल्स भी है और इससे इनका ग्रिप भी डेवलप होगा। राइटिंग के लिए जो हमको प्रॉपर ग्रिप चाहिए वो भी मिलेगी। तो इस एक्टिविटी के थ्रू ये भी हमारा फ़ायदा होने वाला है। साथ में देखिए, जो स्वैप होते हैं उनके थ्रू, ईयरबड्स के थ्रू मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ इस पे बता रही हूँ अपने बेटे को कि आपको ऐसा करना है। आप भी अपने बच्चे से करा सकते हैं। देन पेंट करने के बाद में जो ईयरबड्स होते हैं, स्वैप होते हैं, उनके थ्रू आप पेंटिंग करवा सकते हैं। ये बहुत ही ईजी है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, सिंपल। आप उनको कोई भी इनके मन का कलर दे दीजिए और उनको ये, तो मैंने एक पैटर्न बनाया है, आप कोई भी डिफरेंट पैटर्न बना सकते हैं और उस पर बच्चों को बिजी रख सकते हैं। यहाँ पे अब ये प्रैक्टिकल फॉर्म में ये कर रहे थे और अब है दूसरे कुल्हड़ की बारी। इसके लिए मैंने ले लिया है ब्लू कलर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको भी पेंट करना। पेंट करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हार्डली 1 से लेकर के 2 मिनट्स के में ये कुल्हड़ पेंट हो जाते हैं। मैंने एक्रेलिक कलर यूज़ किया है, आप भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपका पसंद का कलर है आप मार्कर से ईजिली अवेलेबल होता है, आप उनको परचेस कर लीजिए। साथ में इसके लिए आपको लगेगा ब्रश, तो नॉर्मल ब्रश की इसमें आपको ज़रूरत होगी, तो वो भी मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो जाता है। सो बस ये 2 मिनट में ये रेडी होने वाला है। सारे जगह अच्छे से कलर करना है, बैक से लेकर के टॉप पे। जैसे आप देख रहे हैं इसमें कलर हो चुका है। नाउ अब हम इसमें करने वाले हैं फिंगर से पेंटिंग। जो कलर की बॉटल है मुझे जैसे चाहिए येलो कलर, तो मैंने येलो कलर ले लिया है, आपको अपने पसंद का ले लेना है। साथ में उसे क्या करना है, बस एक वन अपनी जो इंडेक्स फिंगर, उसको कलर में डिप करिए और सिर्फ उसको वहाँ पे इम्प्रिंट करना है, लगाना है बस। और मैंने यहाँ पे देखिए 5 पेटल्स बना लिए फ्लावर के। आप और कुछ बनाना आप वो बनाइए, ये बहुत इजी है। और सबसे अच्छी बात इस पॉट की ये है कि ये सूखने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हो अपने बच्चों को एक्टिविटी सिखाने के लिए कि वो फिंगर से पॉट में पेंटिंग करें, जिससे वो भी बहुत इंजॉय करेंगे। बहुत सिंपल है, 5 पेटल्स ही बनाने हैं और सूखने के बाद बहुत अच्छा ये पॉट बन के आपका निकलेगा। ये एक्टिविटी आप अपने 3 इयर्स के बच्चे से लेकर के 5-7 इयर्स जितने भी हो बच्चे, आप उनके साथ आप करा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा एंगेजिंग है, जितने धीरे करेंगे ऑब्वियसली टीवी से या मोबाइल से बच्चे दूर रहने वाले हैं। आप देख पा रहे होंगे ये अभी से ही कितना खूबसूरत लग रहा है, और सूखने के बाद इसका टेक्सचर बहुत अच्छा, क्योंकि थोड़ा उभरा हुआ फिंगर से आया हुआ है तो इसलिए दिखता है। नाउ नेक्स्ट मैं पॉट अब पेंट करने वाली हूँ, और वो भी करने वाली हूँ वाइट कलर से। वाइट कलर जो है वो बहुत ही सुंदर पेंट होने के बाद दिखेगा। आप देखिएगा ये पॉट, मैंने काफ़ी बार कलर किया हुआ है, पॉट पेंटिंग करी है। तो वाइट कलर में जो बात निकल के आती है वो किसी भी दूसरे कलर पे निकल के पॉट की नहीं आती है। आप देख पा रहे होंगे कि अभी से ये कितना खूबसूरत लगने लगा है।
ये बहुत इजी सिंपल एक्टिविटी है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सामान भी नहीं लगता है और बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। इससे बच्चों की क्रिएटिविटी डेवलप होती है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, एक आर्ट उनका ग्रो होता है, इमेजिनेशन पावर इनका बिल्डअप होता है क्योंकि वो क्या इसमें ड्रॉ करना है, पेंट करना है, इसके लिए वो सोच पाते हैं। सो होल एंड होल ये बहुत ही अच्छी सिंपल एक अच्छी एक्टिविटी है। पेंट हो गया है, ऊपर की तरफ भी पेंट किया हुआ मैंने और अब करते हैं इसे पेंट की बारी। यहाँ पे मैंने एक दूसरा कलर ले लिया है जो है पिंक और इसको भी मैं कलर को पेंट कर रही हूँ। इसमें अब डिज़ाइन बनाते हैं जो कि पहले आपने देखा होगा, पहले पेंट कर लिया, यहाँ भी मैं स्वैप के थ्रू ही पेंटिंग करना शुरू कर रही हूँ। और अब देखिए इसका हाल, ये हाल मैंने नहीं किया है, ये मेरी बेटी की क्रिएटिविटी है और मैं ये कह रही हूँ आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, वाइट कलर मास्टर पीस होता है ना। अब ये पिंक वाला है जिसको हमने भी थोड़ी देर पहले ही कलर किया था। सो इसको हम करेंगे नीचे में, बस सिर्फ एक मैं नॉर्मल लीफ बना रही हूँ, जैसे लोटस की बनाते हैं ना, लोटस के जो पेटल्स होते हैं वैसे मैं इसकी लीफ बना रही हूँ। सो ये देखिए बनके रेडी हो गई और लग रही है ना खूबसूरत ना। मैं एक अनदर के कुल्हड़ है इसको पेंट कर रही हूँ वाइट कलर से। सो दो मिनट में ये फटाफट कलर पेंट हो जाएगा बाकी के पॉट की तरह ही। रेडी है पेंट हो करके, इसके हेड पे पेंट करना बचा है तो वो भी अब फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। सो अब इसमें करते हैं पेंट, इसमें कर रही हूँ मैं ट्रायंगल शेप बना रही हूँ। आप भी इसमें ट्रायंगल शेप बना सकते हैं, बच्चों के साथ स्क्वायर बनवा सकते हैं उनसे, रेक्टेंगल बनवा लीजिए, हेक्सागोनल बनवा लीजिए, कुछ भी आप बनवा लीजिए आपके मर्जी मन से, या फिर आप बच्चों को बोलें कि वो अपने इमेजिनेशन के अकॉर्डिंगली कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। सो जहाँ पे प्रॉपर अच्छे से बनानी है मैं बस उसको सही से बना रही हूँ। एक प्रॉब्लम ये भी कि एक बार ड्रॉ जो हो जाता है उस पर दूसरा कलर आ नहीं सकता, तो यहाँ ऑरेंज तो मैंने यूज़ कर लिया था, अब मैं यहाँ पे ग्रीन से भी ट्रायंगल बना रही हूँ जहाँ जहाँ पे जो स्पेस है वहाँ पे। सो अब आप देख सकते हैं सारों के सारों जो कुल्हड़ हैं उन्हें पेंट होने के बाद उनका लुक। लाइक करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू फॉर